हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की, जो अक्सर हम तीज त्यौहार पर बनाकर खाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। साबूदाना खीर बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम साबूदाना लिए हैं, जिसको हम 2 से 3 बार वॉश करेंगे। जैसे कि साबूदाना का जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है या तो जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, ये मीडियम साइज के साबूदाना है, जिसकी साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना वड़ा भी बनता है। आप बड़े वाले साइज के साबूदाना ना लीजिएगा, क्योंकि उसके चेवड़ा बनता है। पर ये मीडियम साइज का जो साबूदाना है, खीर उससे बहुत ही अच्छी बनती है। हमने 2 से 3 बार साबूदाना को वॉश कर दिया है। अभी फ्रेंड्स, हम साबूदाना में पानी डाल के आधा घंटे के लिए इसको भिगा के रख देंगे, जैसे कि साबूदाना अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर दे। और पानी हमको इतना डालने का है कि आधा इंच ऊपर खाली साबूदाना में हो, या तो एक उंगली ऊपर हो। अभी एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, और 3-4 छुहारे को मैंने बारीक बारीक कट करके डाले हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर मेरी तरह से साबूदाना खीर बनाएंगे तो आपकी साबूदाना जो खीर है बहुत ही टेस्टी बनेगी। ना आपकी साबूदाना खीर जलेगी और नीचे ना तले में चिपकेगी, पर बहुत ही मस्त बनेगी। अभी इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिरौंजी और 1 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे किशमिश, और सभी को हम 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने जो वीडियो शूट किया है वो दिवाली के टाइम पे शूट किया है, क्योंकि हमारा जो 15 दिन जो दिवाली में आते हैं, हमारे यहाँ पे 3-4 बार तो एक खीर बन के तैयार होती है, सबको बहुत ही अच्छी लगती है। अभी हम ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी पैन में हम साबूदाना को डाल देंगे। फ्रेंड्स, पूरा साबूदाना जो है पानी को एब्जॉर्ब कर दिया है, बस खाली थोड़ी सी कसर बाकी है। थोड़ा पानी ये सूख जाए तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। एक बाउल में मैंने 10-12 केसर के धागे लिए, जिसमें मैं रूम टेम्परेचर का दूध डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूंगी, जैसे कि केसर के धागे का कलर अच्छी तरह से निखर आए। अभी इधर हमारे साबूदाने में जो भी थोड़ा सा पानी था वो सूख गया है। इसमें अब डालेंगे हम 1 लीटर बॉइल्ड दूध। फ्रेंड्स, आप कच्चा दूध नहीं डालिएगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि कच्चा दूध आप बिल्कुल नहीं डालिएगा, आप एक बार दूध को उबाल के ही डालिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो खीर है वो आपका फटेगा नहीं, और अच्छी तरह से आपका खीर बनेगी और टेस्टी भी बहुत खीर बनेगी। हमारा दूध अभी बॉयल हो गया है, साबूदाना भी ट्रांसपेरेंट होकर ऊपर आ गए हैं। इसी स्टेज पे हम डालेंगे 4 से 5 मैंने हरी इलायची को कूट के डालिए है, और जो केसर वाला दूध है वो डाला है, और 1 कप मैंने डाली है शक्कर। आप शक्कर आपके मिठास से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पूरी खीर को हम अच्छी तरह से हिला देंगे। हमारी खीर अभी ऑलमोस्ट तैयार ही हो गई है, और साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होके डबल होके ऊपर आ गए हैं। बस अभी इसी स्टेज पे हम डालेंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे वो उसमें डालेंगे। अभी गैस का हम फ्लेम बंद कर देंगे, और 10 मिनट के बाद मैं आपको खीर सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम खीर को एक बाउल में सर्व करते हैं। ये खीर अभी मीडियम है, और थोड़ी देर के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस दिवाली के त्यौहार में आप इस तरह खीर बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक